हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए छोटा सा ब्लॉग जिसमें इफ्तार की हम तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 12 केजी चिकन, और हमने यहाँ पे ना 12 केजी चिकन के लिए 10 केजी चावल लिया था जिसको हमने भिगो दिया है बहुत पहले। एक घंटा हो चुका है भिगा हुआ उसको चावल को। यहाँ पे लेने के बाद मैंने 5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, 3 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें फूड कलर। फूड कलर आप एक चम्मच डाल सकते हो, यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग डाला है। और उसके बाद इन सबको मिक्स कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं दोनों हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ सारा चीज। देखिए, यहाँ पे हमारा पतीला गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक पैकेट फॉर्चून का तेल। देखिए, यहाँ पे हम तेल गरम होने का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल दिए हैं 2 केजी प्याज कटा हुआ। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो देखिए, 5 मिनट से 10 मिनट हो चुका है, हमारा प्याज यहाँ ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, गरम मसाला डालने के बाद हमने जो चिकन तैयार किया था, मसाले वसाले मिक्स करके, वो चिकन डाल रहे हैं इसमें। देखिए, डाल के अब हम इसको चला रहे हैं। तो इसको हम 10 से 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम बाकी मसाले को डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो पिसा हुआ था वो दोबारा डाल रहे हैं इसमें। बस हम इसमें नमक बाद में डालेंगे ताकि गोश्त का पानी ना छोड़े, थोड़ा पानी सूख जाएगा, उसके बाद हम नमक को इसमें डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, बीच बीच में चला रहे ताकि हमारा नीचे ना चिपके। तो देखिए, यहाँ पे हो चुका है 10 से 5 मिनट। अब हम इसमें पता प्याज डाल चुके हैं, उस वक्त हमारा कैमरा ऑफ था। उसके बाद हम नमक डाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं सारे को अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 डिब्बा लाल मिर्च का पाउडर। ये ज़्यादा बड़ा डिब्बा नहीं है, हमारा छोटा सा डब्बा है, उसी डब्बे से 1/2 डिब्बा लाल मिर्च डालें। बस हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा नीचे चिकन ना चिपके, मतलब चिपक जाएगा तो चिकन भी जल जाएगा और साथ में मसाला भी हमारा जल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुका है, हमारा चिकन का सारा पानी सूख चुका है। अब हम इसको उतार देंगे। उतारने के बाद हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। तो देखिए, यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने 1/2 डिब्बा बिरयानी मसाला जो घर पे तैयार किया था वही डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिर्च की अचार। तो देखिए, हमने पतीला को साइड कर दिया है। अब हम दूसरा पतीला लिए हैं, उस पतीले में हम पानी लेंगे चावल तैयार करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम पानी ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 1/2 केजी के आसपास हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें गरम मसाला, जीरा, तेजपत्ता, ये सब डाल रहे हैं। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम चावल जो भिगो के रखे थे वहाँ चावल में से पानी को अलग कर रहे हैं। अब हम चावल को उसमें पानी में पलट दिए। अब हम इसको चला देंगे, उसके बाद इसको ढक के रख देंगे ताकि उबाल आ जाए अच्छे से पानी में।
तो देखिए पानी में हम 3 चम्मच अचार डाल रहे हैं ताकि पानी और चावल में अचार मिक्स हो जाए ताकि चावल थोड़ा चटपटा सा लगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पानी में उबाल आ चुका है, अब हमने ढक्कन को खोल दिया है। अब हम इसको 10 से 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हमारा चावल पक जाएगा। A few moments later. तो देखिए यहाँ पे हमारा चावल बनके रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे चावल में से पानी जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर रहे हैं। यहाँ पे चावल में से पानी को अलग कर लिया है। अब हम चावल और गोश्त का एक एक करके लेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लेयर लगा रहे हैं, एक बार चावल, गोश्त, अचार, उसके बाद फिर दोबारा चावल, चिकन, फिर अचार, ऐसे ही लेयर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा लेयर लग चुका है। अब हम इसमें फूड कलर और कटा हुआ हरी धनिया डाल देंगे और 5 मिनट के लिए भाप लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ढक के रख दिए हैं हम 5 मिनट और बिरयानी हमारा तैयार हो गया। अब हम काटेंगे फ्रूट। तो देखिए यहाँ पे हम तरबूज काट रहे हैं। मैं तरबूज काटते हुए अपने चाकू का ध्यान रखे, यहाँ पे बहुत तेजी में चाकू तरबूज काटा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा तरबूज कट चुका है। अब हम इसमें काट रहे हैं पपीता। देखिए यहाँ पपीता हमने छील लिया है और काट रहे हैं एक एक करके। अब हम शरबत घोल रहे हैं रूह अफ़ज़ा का। देखिए यहाँ पे चीनी को भिगो कर रखा था, बहुत देर से भीग चुका है, थोड़ा सा हल्का हल्का घोल दे रहे हैं ताकि बीच में चीनी का दाना ना रहे। तो देखिए यहाँ पे हमने घोल दिया है। अब हम इसमें डाले ठंडा पानी और एक बोतल हम इसमें डाल रहे रूह अफ़ज़ा। देखिए यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी तैयार हो गया और यहाँ पे हमारा केला भी कट चुका है। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं अफ्तारी एक एक करके प्लेट। तो देखिए यहाँ पे एक केला, तरबूज और पपीता, खजूर के साथ साथ बिरयानी लगा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमारा अफ्तारी का प्लेट चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे आएंगे एक एक करके जिनको हमने अफ्तारी की दावत दिया है और अफ्तारी करके चले जाएंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।